हाय हेलो, लक्ष्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में सीखेंगे, इसके बारे में स्ट्रक्चर सीखेंगे, इसके बारे में आप एग्जांपल सीखेंगे और ये है क्या, इसके मैंने संपूर्ण बातों को आप लोगों के बीच रखूंगा। तो इस वीडियो से देखने से पहले नाम लाइक शेयर कमेंट करना, मेरा चैनल का नाम है लक्ष्य स्टडी सेंटर कोर्सों के नाम से है, उसे भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन होगा उसे भी आप प्रेस करो ताकि आपको नई नई वीडियो आसानी से मिल सकेंगे। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, स्किप मत करना क्योंकि स्किप करने से आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण मतलब कंप्लीट, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, जो ऐसा वाक्य जो वर्तमान में समाप्त रहता है, मतलब काम खत्म किया रहता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मैं खा चुका हूँ। अब यह सेंटेंस देखें, मैं खा चुका हूँ यानी आप वर्तमान में ये काम खत्म कर चुके हैं, अब हाल ही में खत्म कर चुके हैं। मैं खा चुका हूं, तो इसे हम बनाएंगे आई हैव ईटन। इस तरह से हम इसका इस सेंटेंस को हम फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कुछ बेहतर मेथड, एक बेहतर तरीका जिसको आप आसानी से दो वर्ड में आपको बताऊंगा, उस दो वर्ड को आप सीख लेंगे तो ये सेंटेंस बनाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप पहचानना होता है, अब मैं दो तरीका, दो मेथड या दो वर्ड ऐसा बताऊंगा जो आपको सेंटेंस आपको पहचान में आ जाएगा, ये पूर्ण वर्तमान काल है ये। चलिए हम आगे देखिए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में, देख रहे हैं ना, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं, रहे अथवा लिया आ के अर्थ में पूर्ण वर्तमान काल का यूज करेंगे। देखिए मैंने दो शब्द लिखा है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके रहे अथवा लिया या आ, अंत में आ का अर्थ होगा, मात्रा आ का अर्थ होगा, ई का अर्थ होगा, तो वहां हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे और उसके आधार पर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके आधार पर हम सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए इतना तो समझ गए ना, इतना हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या रहे अथवा लिया आ के अर्थ में है, तो पूर्ण वर्तमान काल का यूज करेंगे, समझे ना। अब मैं आपको बताता हूं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होगा इसका क्या होगा, अफर्मेटिव, देखिए ध्यान से देखेंगे तो कभी भी समस्या नहीं होगी। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे जैसे क्या होता है ना, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद इसमें यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव, हैज, हैज हैव ले लिए, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें यूज होता है वी थ्री, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, आप वी थ्री को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इसमें यूज होने वाला है वी थ्री, प्रेजेंट परफेक्ट में वी थ्री का यूज होता है। तो सब्जेक्ट मेरा आ गया, हैव हैज आ गया, भी थ्री अदर वर्ड, ये मेरा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आप जानते ही हो, हैव हैज का प्रयोग कहां करेंगे तो पहले ही बता चुके हैं। देखिए हैज का प्रयोग जो होता है ना, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हिज इट या सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे,
आई हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के साथ होता है या प्लुरल नाउन के साथ करेंगे। इसके बाद है वी थ्री, आपको याद रखना होगा वी थ्री प्लस अदर वर्ड, समझे ना। अब हम फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं सेंटेंस, ऐसे वह पानी पी चुका है, पानी पी चुका है तो क्या देंगे, वह का तो ही होगा पीना, ही के साथ लगाते हैं हम हैज, ही हैज ड्रंक, ही हैज ड्रंक वाटर। तो ही हैज ड्रंक वाटर यानी यहां पे आप देख रहे हैं ड्रिंक ड्रंक ड्रंक भी थ्री लगा, वह पानी पी चुका है। अब फिर देखेंगे वह ही आया, उसके बाद ही के साथ क्या लेंगे हैज लेंगे, उसके बाद भी थ्री लेंगे तो ड्रंक आया, और उसके बाद हम पानी के लिए क्या लेंगे वाटर लेंगे। तो इतना सेंटेंस को आपने कंप्लीट कर लिया। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वह पढ़ा चुका है, देंगे ही हैज टॉट, पढ़ा चुका है ही हैज टॉट। और टॉट क्यों रहा ना, देखिए यहां पे वह का ही आया, ही के साथ हैज का यूज होता है, और भी थ्री इसमें क्या है टीच का टॉट, और इतना ही नहीं, इसके बाद अदर वर्ड है तो इस स्टेशन तो अदर वर्ड यहां तो अदर वर्ड नहीं है तो हम नहीं देंगे, क्योंकि अदर वर्ड मेरे पास है ही नहीं तो यहां पे हम अदर वर्ड नहीं देंगे। सबसे याद रखो सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज डालेंगे, उसके बाद भित्री डालेंगे, उसके बाद अदर वर्ड डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर बनाते हो तो आपको समस्या नहीं होगी। सेंटेंस लेते हैं और मैं पटना दो बार जा चुका हूं, यानी कहता है पटना दो बार जा चुका हूं। तो पहली सब्जेक्ट है ना, यहां पर आई ले लिए, देखो सब्जेक्ट पहले लेंगे तो सब्जेक्ट आई आ गया, उसके बाद आई के साथ क्या लगाते हैं हैव लगाते हैं तो आई के साथ हैव आ गया। तो इतना कंप्लीट, इतना कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए भीतरी चाहिए, तो गो वेंट गॉन, गॉन टू कहां जा रहे हो पटना, ये मेरा अदर वर्ड है। कितनी बार टू टाइम, ही हैव गॉन टू पटना टू टाइम, सॉरी टू टाइम्स, हम लोग पत्र लिख चुके हैं, वी हैव रिटेन ए लेटर, कितना दीजिए वी हैव रिटेन ले लिए, लेटर दे दीजिए हो गया खत्म। वह संगीत सीख ली है, तो सी के साथ हैज, एल ई ए आर एंड लर्न म्यूजिक। तो कहने का मतलब अब इस तरह सेंटेंस को आप डील करोगे, यानी अब देखिए हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे चुका है चुकी है या आ का अर्थ में या हर्षी का अर्थ में दीर्घी का अर्थ में रहेगा, तो उसे हम क्या करेंगे, हम क्या समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, हैव याद रखेंगे, भीतरी अदर वर्ड, आपको स्ट्रक्चर याद रहनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा ना
तो कभी दिक्कत नहीं होगी, इस तरह सेंटेंस को आप डील करोगे। ठीक है, हमें लगता है आप वीडियो को आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और देखने के बाद उसे बनाने का और प्रैक्टिस करो, समझे ना। उसके बाद जो है आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों के बीच पहुँचे।